तो यार फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे अपना लैपटॉप लॉन्च कर दिया है जो कि फॉल्कन एयरबुक है। और इस लैपटॉप की खास बात, ये थिन और बहुत ही लाइट वेट है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है गाइज, और आप देख रहे हो टेक्निकल गाइड चैनल। तो यहाँ पे CES 2020 में ई कॉमर्स कंपनी जो फ्लिपकार्ट है, उन्होंने अपना लैपटॉप शोकेस किया था, मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट। तो ये लैपटॉप अच्छा है, बढ़िया है, स्पेसिफिकेशन भी बहुत अच्छे देता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे क्या मिलता है आपको इस लैपटॉप में। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे बता दूं, जो कि मुझे एक अच्छी बात नहीं लगी है, इस लैपटॉप में आपको स्टोरेज जो मिलती है वो 256 GB है। ये सबसे मुझे बुरी बात लगी इस लैपटॉप की, क्योंकि इसी प्राइस रेंज पे बाकी का लैपटॉप आपको 1 TB तक स्टोरेज दे देते हैं, बट इसमें आपको स्टोरेज 256 GB मिल जाती है। हाँ, इसे आप एक्सपेंड कर सकते हो 1 TB तक, बट आपको इसमें इनबिल्ट ही 1 TB देना चाहिए था। तो बाकी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, 13 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले है, प्लस नहीं है, फुल HD है, और ये IPS डिस्प्ले है। तो इसमें गेमिंग वगैरह खेलने में मजा आएगी। और दोस्तों, अभी आपने देखा PUBG मोबाइल इंडिया का नया एपिसोड आ गया है, तो उसकी स्टोरी वगैरह बढ़िया लगी है, जाके आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इस लैपटॉप का वेट 1.26 kg है, जो कि 1.5 किलो से भी कम है, अच्छा है, ज्यादा वेटेड नहीं है। और इसका जो थिकनेस है, जो मोटा है, वो 16.5 mm है। तो आपके अगर दो फोन एक साथ जोड़ोगे तो भी उतना हो जाएगा, इतना पतला है, तो ज्यादा वेटेड और ज्यादा बड़ा मोटा नहीं है ये लैपटॉप। और इस लैपटॉप की बैटरी के बारे में बताऊं तो इस लैपटॉप में आपको अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 5 आवर्स का बैटरी बैकअप देने वाली है। 37 वॉट का चार्जर यहाँ पे मिल जाता है। तो इस लैपटॉप में आपको 8th generation कोर i5 देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है, बढ़िया बोलूंगा। यार लैपटॉप दिखने में अच्छा खासा है, बट स्क्रीन के ऊपर की साइड में और नीचे के साइड में जो बेजल्स मिलते हैं वो आपको थोड़े बड़े मिल जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए थी। बाकी आपको लैपटॉप बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है, और ये लैपटॉप 40,000 के प्राइस रेंज पे आ जाता है। तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी और लगी है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टोरेज उतनी नहीं मिलती है। तो अगर 40,000 के रेंज पे आप बाकी के लैपटॉप देखते हो, तो आपको HP का i5 8th generation वाला लैपटॉप मिल जाता है, लेनियो का मिल जाता है, असूस का मिल जाता है, और डेल का भी i5 वाला लैपटॉप मिल जाता है इस प्राइस रेंज पे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी बुरी बात लगी, जो कि उन्होंने हार्ड डिस्क यहाँ पे कम दी है, स्टोरेज आपको कम दी है। और दोस्तों, जो मैंने PUBG के एपिसोड के बारे में बताया था, वो अगर आप PUBG वगैरह ज़्यादा खेलते हो तो मत खेलिए। हाँ, थोड़ा बहुत खेल सकते हो एंजॉयमेंट के लिए, बट ज़्यादा मत खेलिए। और अगर आप नहीं खेलते हो तो बिल्कुल ही मत खेलिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।